हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अंडा करी बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम अंडा को बॉईल करने से स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें गर्म पानी लिया है कढ़ाई के अंदर और इसमें अंडे डाले हैं और इसमें हल्का सा नमक भी डाला है। अब जैसे ही अंडा बॉईल हो जाएगा उसके बाद छील के फिर आगे का प्रोसीजर चलेगा। नमक अंडा अगर आप उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे उसके बाद उसमें अंडा डालेंगे तो आपका अंडा फटेगा नहीं। ये हमारा टिप था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अंडा का ग्रेवी बनाएंगे। हमारे फ्राइड सारे फ्राइड एग है और हमने इसमें तेल दिया। उसके बाद उसके गर्म होने के बाद उसमें हमने हल्का सा जीरा डाला। देखिए हमारा फ्राइड एग। उसके बाद फिर उसमें अनियन दिया। अब ये भुनाएगा। उसके बाद फिर इसके लाल कलर आने के बाद इसमें मसाले और टमाटर वगैरह डालने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला है जिसे हमने तैयार किया है एक ग्रेवी में डालने के लिए। इसमें जीरा है, मरीच है, आदि है, धनिया है, ये सारा को मिला के हमने पेस्ट कर लिया है और लहसुन है। ये चार पाँच चीज़ों का इसमें पेस्ट है और ये हमारी ग्रेवी में मसाले के लिए जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले जा चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जितना मसाला हमने आपको पहले दिखाया था वो ज़्यादा सारा जा चुका है और इसमें एक्स्ट्रा हमने हल्दी और मिर्ची दिया और टमाटर दिया है, जैसे कि आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अब इसे कंटिन्यूअस भूनना है जब तक कि टमाटर ना गल जाए। और एक दफ़ा टमाटर गल जाएगा फिर इसमें घोल डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे जो फ्राइड एग है उसी में डाल दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो मसाला है वो पूरी तरह से रेडी हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से ऑयल रिलीज किया जा रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद फिर इसमें हमारे फ्राइड एग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हमने इसमें जो हमारे फ्राइड एग थे वो डाल दिए। मसाले को ग्रेवी के अंदर ये झोल डाल दिया था। फ्रेंड्स, अब ये हम लोग का रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। Thank you.